नौकरी से हटाए गए कर्मचारियों ने मुंडन कराकर पुरातत्व विभाग के विरुद्ध की जमकर नारेबाजी। ऐतिहासिक नगरी चंदेरी में पुरातत्व विभाग के अंतर्गत 17 वर्षों से दैनिक वेतन भोगी के तौर पर कार्य कर रहे तकरीबन 50 कर्मचारियों को एक साथ आदेश जारी कर हटा दिया गया, जिसके बाद इन सभी कर्मचारियों की जिंदगी पर आर्थिक संकट छा गया। इस तरह अचानक नौकरी से हटाए जाने के बाद इन वेतन भोगी कर्मचारियों का गुस्सा पुरातत्व विभाग के अधिकारियों पर फूट पड़ा एवं पुरातत्व विभाग के ऑफिस के आगे इन सभी कर्मचारियों ने एकत्रित होकर धरना देते हुए जमकर नारेबाजी की। वहीं इन लोगों की परेशानी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस तरह अचानक नौकरी से निकाले जाने के बाद इन सभी लोगों के द्वारा विरोध स्वरूप मुंडन भी कराया गया। साथ ही इन लोगों का कहना है कि इस तरह अचानक निकाले जाने से परिवार पर भी संकट आ गया है और नौकरी पर दोबारा नहीं लिया गया तो धरना प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा, फिर भी नहीं सुनी गई तो आत्महत्या भी की जाएगी। इन लोगों को अगर किसी कारण के आज दिनांक 1 अप्रैल से हटा दिया गया है, इस कारण से हम लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई सूचना नहीं दी गई है, हम लोग आज दिनांक 1-4 से इसकी हमने अपने जिले को जिलाधीश महोदय को दी है, तहसीलदार साहब को, SDM साहब को, सबको इतना सूचना दे दी तो उन्होंने कुछ नहीं बताया है, ना भोपाल से कोई किसी ने बताया, ना हमारे यहाँ चंदेरी से किसी ने बताया। आप कितने लोग? 62 लोग इसमें जितने भी मध्य प्रदेश में हटाए, चंदेरी उपमंडल से भी हटाए 62 लोगों ने। यदि आप जब तक धरना प्रदर्शन करेंगे और हम लोग जब हमारा परिवार ही नष्ट हो जाएगा तो आत्महत्या भी कर सकते हैं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अधिकारी बजट न होने की बात कहते हुए आगामी आदेश की बात कहकर टालते नजर आए। साथ ही बजट न होने पर इन कर्मचारियों को हटाने की मुख्य वजह भी बताई गई। के लिए हटाए गए हैं, जब तक अग्रिम सूचना नहीं आती है तब तक जो है हम लोग करते नहीं। के लिए मानसिक कार्यालय और भोपाल मंडल कार्यालय से जो हमें अग्रिम आदेश मिलेंगे उसके हिसाब से ही काम करते हैं। लिखित में दैनिक श्रमिक है, दैनिक श्रमिकों को लिखित किसी प्रकार से लगाते समय भी नहीं दिया जाता है और न अभी कोई ऐसा हम लोगों को प्रॉब्लम होता है कि भाई कर्म मस्टर के तहत लगाया कर्मचारियों को और समय अनुसार जितना काम जितने समय के लिए है उस समय में लगा लेते हैं। तो बजट का भी अभाव है हमारे पास और दूसरा स्वीकृति नहीं है अभी मेरे पास। बजट का अभाव मैंने बोला कि बजट का अभाव है तो पेमेंट 31 दिसंबर और मार्च तक जो ड्यूटी किए हैं उनका बराबर पेमेंट सर वहीं पे नहीं। सिक्योरिटी गार्ड अभी कोई बाहर से नहीं, व्यवस्था की गई है हमारे द्वारा, अभी कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लगाए गए ना कोई आया है। अब देखना यह होगा कि पुरातत्व विभाग में इन कर्मचारियों को वापस लिया जाता है या फिर इन कर्मचारियों को हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अशोकनगर से ग्राउंड रिपोर्टर संजय नामदेव की रिपोर्ट।